हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुंदन कुमार है। स्वागत करता हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग लीट कोड के एक मीडियम क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका नाम है रोटेट एरर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इसका लाइक देख सकते हैं 12.8 के है। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी जनरल अप्रोच होता है सॉल्यूशन का, हम लोग उससे डिफरेंट सोचेंगे, बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि गिवेन एन इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम्स नाम से, और यहाँ पे के दिया हुआ है, के टाइम्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, के टाइम्स रोटेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है एक एरे ये है, उसके बाद यहाँ पे के का वैल्यू दिया हुआ है, के मीन्स कितने टाइम्स वो रोटेट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि वन स्लाइड होकर के राइट साइड चला गया, और लास्ट का जो भी था वो फर्स्ट में आ गया, यहाँ पे आ गया है। फिर से क्या होगा, फिर इसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिक्स जो था लास्ट का फर्स्ट आ गया, उसके बाद फिर से स्लाइड होकर राइट चला गया। फिर से क्या हुआ, थर्ड स्टेप में फाइव जो था उसको फर्स्ट में लाया गया है, उसके बाद जो भी फर्स्ट से था उसको स्लाइड कर दिया गया। तो ये है क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग को क्या है, रोटेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी जितने स्टेप में इसको रोटेट करना है, तो वो उसको लास्ट से लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 5, 6, 7, इसको क्या किया गया है, फर्स्ट में यहाँ पे डाल दिया गया है, और जो भी बच के एलिमेंट फर्स्ट से उसको स्लाइड करके राइट साइड कर दिया गया है। तो यह है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका अप्रोच देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सोचते हैं। यह है क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि हम लोग का क्या अप्रोच रहने वाला है, जो भी जितने स्टेप में ये कर रहा है रोटेट करने के लिए, उतने स्टेप के एलिमेंट को, जैसे थ्री कर रहा है तो लास्ट के थ्री एलिमेंट को लेंगे, लास्ट के थ्री एलिमेंट हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट का जो भी बच जाता है वो सारे एलिमेंट को लेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट का जो भी एलिमेंट आया है उसको क्या हम लोग करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। रिवर्स होकर के क्या हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, ये हो गया रिवर्स होकर के। उसके बाद जो भी लास्ट का बचता है उसको फिर इसको भी रिवर्स कर देंगे, उसको भी रिवर्स करके इसी में लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो 7, 6 और 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो गया, और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार टोटल को रिवर्स कर देंगे। तो टोटल को अगर यहाँ से यहाँ तक रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, 5, 6, 7, उसके बाद 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे हम लोग फाइनली आंसर ला चुके हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को अचीव किए हुआ है कि फर्स्ट वाला जो था उसको रिवर्स किए, फिर लास्ट वाला को रिवर्स किए, और टोटल को रिवर्स कर दिए। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया है। तो ये हम लोग का एफिशिएंट वे है सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो हम लोग अब रिवर्स करना बहुत ही इजी है। रिवर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे रिवर्स करने के लिए क्या, जैसे कि इस एरे को रिवर्स करेंगे, इसके लिए क्या होगा, जो भी लास्ट का एलिमेंट है उस एलिमेंट को फर्स्ट में लाएंगे, और जो था फर्स्ट का उसको लास्ट में लाएंगे। फिर से इसको यहाँ से फिर करेंगे, मीन्स लो जो था उसको हाई पे दे दिए, और हाई जो था उसको लो पे दे दिए, फिर लो को प्लस प्लस कर देंगे, और हाई को फिर माइनस माइनस कर देंगे, फिर से इसको स्वैप कर देंगे। देखिए, स्वैप कर देंगे मीन्स सिक्स को थ्री के प्लेस पे आ गया, और थ्री जो था सिक्स के प्लेस पे आ गया। तो ये था हम लोग का क्या, रिवर्स करने का अप्रोच। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बहुत ही एफिशिएंट वे से। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओके सबसे पहले हम लोग एरे का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। एरे का लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। तो हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले एरे का लेंथ फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा के साथ करते हैं, के साथ ये करते हैं कि k
के इक्वल टू के मॉडुलस ऑफ लेन। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, अगर जितना बार रोटेट करना है एरे की साइज उतना ही हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो रिपीट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को कंपाइल एरर आ सकता है, सॉरी रन टाइम एरर आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, के मॉडुलस ऑफ एन, यहाँ पे एन डेट इज लेंथ, लेंथ ले लिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं, रिवर्स रोटेट रिवर्स आर करके बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नम्स को पास कर देते हैं इसमें कॉमा, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट टाइम में क्या होगा, हम लोग कहाँ से कहाँ तक रिवर्स करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स करेंगे, मीन्स जीरो से लेकर के लेंथ माइनस के माइनस वन तक, जीरो से लेकर के लेंथ एलियन लेंथ माइनस के माइनस वन तक। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट का जो भी था थ्री यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ये फाइव का क्या हो जाएगा, फाइव का इंडेक्स क्या हो जाएगा, फाइव का इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले रिवर्स आर जो होगा हम लोग को यहाँ पे नम्स पास कर देंगे इसमें, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेन लेन माइनस के कॉमा लेन माइनस वन, मीन्स यहाँ से इसका इंडेक्स, फाइव का इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेन माइनस के लेंथ माइनस के, और सेवन का इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेंथ में एक को घटा देंगे, एक को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से होगा। फिर से एक तो क्या होगा, अब टोटल का, अब जो भी था पूरा आएगा, टोटल एरा का जितना रिवर्स करके आया रिजल्ट, अब उस रिजल्ट को फिर से रिवर्स कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग पास करेंगे फिर से जीरो से लेकर के और लेंथ माइनस वन, तब इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिवर्स यहाँ पे फंक्शन बना है, अब इसको क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट यहाँ पे कर देते हैं, इसे पब्लिक स्टैटिक इंट रिव आर, उसके बाद यहाँ पे पास आउट क्या कर देते हैं, पास आउट यहाँ पे कर देंगे नम्स, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे इंट लो और इंट हाई। ओके, अब ये हम लोग का फंक्शन बन गया, अब इस फंक्शन में हम लोग, ओके हम लोग का फंक्शन हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो कंडीशन लिखेंगे रिवर्स करने के लिए। रिवर्स करने के लिए कंडीशन क्या होगा, व्हाइल लूप लगाएंगे, और व्हाइल लूप जब तक लो का वैल्यू हाई के वैल्यू से कम है उस तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले, मीन्स स्वाइप करने वाले। स्वाइप कैसे करेंगे, इंट टेम्प लेंगे, एक तो टेम्प लेंगे, और टेम्प में हम लोग क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं लॉ को, मीन्स फर्स्ट को यहाँ पे जो भी था एरे का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट उसको पास कर दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर इंट, अब यहाँ सॉरी इंट नो नम्स, और यहाँ पे हाई जो था लॉ की जगह पे, लॉ को तो यहाँ पे टेम्प में डाल दिए हैं, अब लॉ में क्या कर देंगे, नम्स हाई पास कर देंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई भी खतरनाक फंक्शन नहीं लिख रहे, बस स्वैपिंग वाला फंक्शन जो होता है टेम्प लिख करके हम लोग डालते हैं, वही लिख रहे हैं, यहाँ पे कोई खतरनाक फंक्शन नहीं है हाई। ओके, उसके बाद यहाँ पे टेम्प पास कर देंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, फिर स्वैप करने में क्या होगा, यहाँ पे स्वैप कैसे करेंगे, एरे को स्वैप करने के लिए लॉ जो था लॉ को प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद हाई को माइनस माइनस करेंगे, बस ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे ये इंट जो क्या था यहाँ पे एरा था, एरा को रिटर्न कर देंगे, तो एरा का नाम क्या है, रिटर्न एरा का नाम है ना, उस एरा को रिटर्न कर दिए यहाँ पे, एच को यहाँ पे क्या होगा, इन एरा क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो एरा है इसको फिर से हम लोग रिटर्न कर दें, अब इसको रन करके देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग सक्सेसफुली रन कर चुके हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग सबमिट कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा अप्रोच था, तो ये था हम लोग का अप्रोच जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं।